Alfredi Securities में पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। और आज हमने देखा कि मार्केट जो क्लोज हुई तो पॉजिटिव क्लोजिंग तो हुई है, लेकिन बड़ा लैकलस्टर सा दिन था आज। तो मैं थोड़ी डिटेल्स आपको बता दूं। आज ओपनिंग अच्छी पॉजिटिव हुई और फिर इंडेक्स ने हाई बनाया 47,508 पॉइंट्स का, और जो लो था वो 46,986 का था। जो मार्केट ऊपर भी गई तो वहां पे सस्टेन नहीं किए लेवल्स, और एक मौके पे आके बिल्कुल डल हो गई मार्केट। और टूवर्ड्स एंड जब जो डे ट्रेडर्स हैं उन्होंने देखा कि मार्केट मजीद ऊपर नहीं जाएगी, उन्होंने अपनी जो पोजीशंस थी वो ऑफलोड करना शुरू कर दिया। तो टूवर्ड्स एंड प्रेशर आया और इंडेक्स फाइनली 135 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ 47,137 पे। आज वॉल्यूम्स हमने कम होते हुए देखे, 205.4 मिलियन शेयर काम हुआ KSE 100 में, और इवन ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम भी हमने श्रिंक होते हुए देखा, सिर्फ 580.7 मिलियन शेयर ट्रेड हुए KSE 100 ऑल शेयर इंडेक्स में। अच्छा, वॉल्यूम इंडेक्स की लिस्ट पे अगर नजर डालें तो सिल्क बैंक ने लीड किया आज, 69 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, 17 पैसे प्राइस इंक्रीज हुई है 2.06 रुपए। फिर हैस्कॉल, WTL, TPL, TRG, हम नेटवर्क बाइको वगैरह, ये स्टॉक्स हैं जो हमको टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पे नजर आ रहे हैं। तो जो हमने स्ट्रैटेजी बताई थी कि जी एक्यूमुलेट करना चाहिए डिप्स पे, आज मैंने देखा भी कि जो लोज बने थे हमने कल बनते हुए देखे थे कुछ स्टॉक्स से, वो आज हमने देखे भी नहीं, उससे ऊपर ही स्टॉक्स रहे कुछ स्टॉक्स, और वहां से हमने अच्छा इंट्राडे गेन भी किया। तारिक ग्लास इज वन एग्जाम्पल, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज इज वन एग्जाम्पल, कल 209 के करीब था, उससे भी नीचे ट्रेड हुआ था, 219 का हाई बनाया। तारिक ग्लास जो कल 103 रुपए से नीचे ट्रेड हुआ था, आज 106 पे, सॉरी 109 रुपए तक इसमें काम हुआ। और सिमिलरली और भी रिफाइनरी के स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, कुछ सीमेंट स्टील की मैंने एग्जाम्पल पहले दे दिए, तो हमने जरूर गेंस देखे लेकिन अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं किया। अच्छा, इसका एक रीजन ये भी है कि पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में तकरीबन 1000 पॉइंट की मंदी देख ली है। पिछले फ्राइडे को 300 पॉइंट, 350 पॉइंट करीब मार्केट नीचे थी, कल भी 600 पॉइंट के करीब मार्केट नीचे थी, तो दो ट्रेडिंग सेशन में 1000 पॉइंट निकल जाए तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वो डेंट हो जाता है इन्वेस्टर्स का। तो इसलिए हमने देखा कि आज एट वन पॉइंट इन टाइम, और माइंड यू कि 47,500 जो है एक रेजिस्टेंस का लेवल भी नया बन गया है, 46,900 पे हमको सपोर्ट नजर आई कल भी आज भी, और उसके बाद अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी वो 47,500 के पजी भी थी, और फिर नेक्स्ट जो उसके बाद रेजिस्टेंस आती है वो कह रहे हैं वो 47,800-49 पर आएगी। तो उससे भी हमने देखा कि 47,500 टच करने के बाद मार्केट डल भी हो गई और टूवर्ड्स दी एंड नीचे भी आ गई। ओके, और मेन स्टॉक्स अगर देखें ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है हमारी मार्केट में इस तरह से, खैर नथिंग न्यू, कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ी और ब्रेंट 76 तक गया, OGDC की स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ी ज्यादा, और जब आज नीचे आया तो OGDC की प्राइस में कमी काफी आ गई। तो जब प्राइस ऊपर जाती है इंटरनेशनल मार्केट में तो OGDC बढ़ता नहीं है, नीचे आती है तो हाँ गिर फौरन जाता है, तो ये थोड़ा सा ये भी एक है। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, थोड़ी सी इरेशनल किस्म की वो चीजें हमारी मार्केट में होती हैं, कि जब फ्राइडे को MSCI वाली खबर आई तो सिर्फ अभी आया था कि डिसीजन नहीं लिया गया है कि हमको इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में डाला जाएगा, उसके बावजूद लकी समय में सेलिंग आनी शुरू हो गई। तो अगर लकी समय में सेलिंग आई तो अगर हम फ्रंटियर मार्केट में जाएंगे तो वहां तो OGDC ऐड हो जाएगा, तो फिर OGDC में बाइंग क्यों नहीं आई। तो ये इस किस्म की कुछ इरेशनल चीजें हैं। खैर एनीवे, आई थिंक ऐसे ऐसे मार्केट में ये जो चीजें सही हो जाएंगी, बट आई थिंक स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, और कोई खास आई थिंक आज खबर नहीं है। एज वी स्पीक नेशनल असेंबली में बजट और फाइनेंस बिल को पास करने का जो अमल है वो जारी है और पास हो भी जाएगा। ये है, बाकी आई थिंक स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जैसे मैं अब पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन से मैं आप कह रहा हूँ कि मार्केट जो कि नीचे आ रही है, अट्रैक्टिव हो रहे हैं स्टॉक्स, तो नीचे के लेवल्स पे डिप्स पे अक्यूमुलेट करें अच्छे स्टॉक्स। आज ही की एग्जाम्पल मैंने दे दी कि आज ही आपको इंट्राडे बेसिस पे अच्छे गेन्स नजर आ गए थे, तो जिसका मतलब ये भी है कि इन्वेस्टर्स समझ रहे हैं कि मार्केट में प्राइसेस अट्रैक्टिव हो गई हैं, जब नीचे बाइंग भी आई और फिर बड़ी तेजी से फिर लेकिन प्राइस बढ़ गई कम वॉल्यूम्स के साथ, तो आई थिंक ज्यादा लोग जो है जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर हुआ है या डेंट हुआ है, तो वो उन्होंने आई गेस वो नहीं
उन्होंने बाय किया, वो पीछे रह गया, तो फिर उन्होंने ऊपर जाके बाइंग नहीं की, उन्होंने वेट किया कि जी नीचे आएगा तो हम वापस लेंगे, इसलिए मार्केट स्लिप ही हो गई। सो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज फूड के स्टॉक्स में अच्छी हमने रैलीज देखी, इतफा फिर एग्रो फूड में अच्छी गेंस नजर आए, मैटको फूड अपने अपर लॉक पर नजर आया, उसके पीछे फौजी फूड्स भी हमने देखा कि इसमें अच्छे गेंस नजर आए। तो गेंस हो रहे हैं बिकॉज मार्केट में अभी वैल्यू है और स्टॉक्स जो है वो अट्रैक्टिव हो रहे हैं। सो दैट्स अबाउट इट। हैव अ नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।